उत्तर प्रदेश के बलिया में 30 मार्च को इंटरमीडिएट अंग्रेजी लीग मामले में 3 पत्रकारों को फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेज दिया गया, जिसको लेकर अमेठी जिले के पत्रकार संगठन ने प्रेस क्लब की अध्यक्ष शीतला मिश्रा की अगुवाई में दर्जनों की संख्या में पत्रकारों ने जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र को सौंपा है। देखिए, बलिया जनपद में अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा के 3 पत्रकार बंधुओं को इस बात के लिए मुकदमा लिख करके जेल भेजा गया कि उन्होंने जो लगातार वहां पर पर्चे आउट करा करके नकल कराई जा रही थी उसके संबंध में खबर लिखा और मांगे जाने पर उन्होंने वो पर्चे भी उपलब्ध करा दिए जिन पर्चों को आउट करने का आरोप था। इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में पत्रकार समुदाय दुखी है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है और प्रेस की आज़ादी पर कुठाराघात है। हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे करके उनसे निवेदन किया है कि इसमें हस्तक्षेप करें और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि दोषी पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस हो, उनकी तत्काल रिहाई हो और इस प्रकरण में फर्जी FIR कराने और जेल भजवाने के लिए दोषी अधिकारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही हो।